उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में फील्ड क्लब के बाहर 9 मई को एक कार सवार ने बाइक सवार युवक को चपेट में लिया, जिससे बाइक सवार युवक विपिन मीणा की मौत हो गई। मृतक विपिन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज मित्रगण और उसके परिजन जिला कलेक्ट्री पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मृतक विपिन के परिजनों का कहना है कि इस मामले में फील्ड क्लब प्रशासन आरोपी को बचा रहा है, ऐसे में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करने के साथ 30 लाख का मुआवजा परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। वहीं इस दौरान छात्र नेताओं ने भी कार्रवाई नहीं होने पर फील्ड क्लब के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। मेरा नाम जयंती लाल है, मैं विपिन का बड़ा पापा हूँ। विपिन रोज़ की तरह जिम जाने के लिए निकला था। शैली मार्ग के फील्ड क्लब के बाहर जब गया तो एक कार वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी उछल कर रैंप पे गई, बच्चा दूसरी तरफ गिरा और कार वाला उसको बचाने के बजाय कार अंदर लेके चला गया और इतना बेरहम है कि बच्चा बाहर तड़प रहा है और वो अंदर खेलने लग गया। इस बेरहमी के बाद भी पुलिस उसको बचाने में लगी हुई है। फील्ड क्लब का जो प्रशासन है वो बचाने में लगा हुआ है। उसका सचिव तो कहता है, कभी तो कहता है कि वो पोल से टकराया, जबकि पोल और जो बच्चा गिरा हुआ है उसमें 20 फीट की दूरी है कम से कम। तो अगर इतना पास और इतना होता तो पोल से टकराता तो पोल के पास होना चाहिए था, जहाँ आज भी पलट के निशान है। पुलिस ने आज तक न तो मौका पर्चा बनाया है, न अपराधी को पकड़ा है और रोज़ स्टेटमेंट बदल रही है। कभी तो कोई कहता है कि स्कोडा गाड़ी थी, कभी कहता है हिंडा सिटी गाड़ी थी, कभी कहता है स्कॉर्पियो गाड़ी थी। और पूरा पुलिस के साथ मिलकर के, क्योंकि ये पैसे वाले हैं और किसी भी गरीब के साथ कुछ भी मार कर भग जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसी हालत हो गई है। कार वाला कुछ भी कर सकता है, बड़ी कार वाला किसी को भी मार सकता है। आज ये कहने के लिए आए हैं कि गरीब भी है इस दुनिया में, खाली कार वाला ही नहीं है दुनिया में, उनकी हक की सुरक्षा की जाए। और जो बच्चे, जिस बच्चे को बिना कारण से मार दिया गया, 18 साल का बच्चा, जो हमारा बच्चा है, कल आपका बच्चा हो सकता है, किसी परिवार का दूसरा बच्चा हो सकता है। और कार वाले अगर इस तरह से टक्कर मार के गए और पुलिस बचाती रही तो हमारा और आपका सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर सारे उसके दोस्त आए हैं, उसके बच्चे कॉलेज के बच्चे आए हैं और हम सब ये कहने आए हैं कि विपिन को न्याय मिले और न्याय मिले। साथ ही जो नया कानून है न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन में 10 साल की सजा का प्रावधान है, उसके अलावा जो कानून है, जो उस कानून के हिसाब से हिट एंड रन का मामला बने। पुलिस चाहती है कि हिट एंड रन का मामला नहीं बने। पुलिस ये भी कह रही है कि टक्कर गाड़ी से नहीं हुई है, वो गिर गया और लग गई, जबकि उसको टक्कर नहीं लगती तो 20 फीट दूर गाड़ी रगड़ा के नहीं जाती और रैंप के ऊपर चढ़ करके और नहीं रुकती, पीछे से सीसीटीवी कैमरे के बारे में जब फील्ड क्लब के लोगों से पूछा गया कि आपके जो यहाँ पर जो सीसीटीवीज के फुटेज दो, तो वो ये कह रहे हैं कि रात को हमारी लाइट नहीं थी इसलिए कैमरे रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हम इसमें। तो ये जो बात है ये उसको बचाने के लिए की जा रही है, सीसीटीवी को। फील्ड क्लब जो है एक उदयपुर का सबसे रईस लोगों का क्लब है, यहाँ ना तो कभी लाइट की कमी रहती है न ही किसी और चीज़ की कमी रहती है। वहाँ जनरेटर है, वहाँ पर डीजी लगे हुए हैं और रईस लोगों को अपन जानते हैं, थोड़ी देर अगर गर्मी लग गई तो कितना तड़पड़ाते हैं, उनके ऐसी नहीं होते कितने तड़पड़ाते हैं। तो बिना हमारी मुख्य मांग ये है कि विपिन को न्याय मिले, हिट एंड रन का मामला बने, अपराधी रियल अपराधी को पकड़ा जाए, जो कि नाम बताया गया है और जो पुलिस ने जो नंबर बताए हैं उस पर पुलिस ही कह रही है कि ये गाड़ी नहीं थी, तो उसका जो रियल अपराधी है उसको पकड़ा जाए और जो न्याय संहिता 2023 के हिसाब से हिट एंड रन के हिसाब से 10 साल की उसको सजा मिले, मुआवजा मिले। साफ सफाई की हो बात, वाइटिक सेना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाए और एयर फ्रेशनर महकाए रूम, ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटिक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।